Hello everyone, welcome back to Top Educators. So from today, we have started English grammar series, which will be very helpful to students from school sections, junior colleges, and also many competitive exams as well. So today our topic is question tag, the most easiest topic of English grammar, and it is very simple and easy to understand. So let's get started. Question tag, first part. सो ये है हमारी ऑक्सिलरीज और यू कैन से दीज आर आवर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, वी हैव वर्ब्स एंड वी हैव हेल्पिंग वर्ब्स. वर्ब्स मीन्स एक्शन, जैसे कि डांसिंग, स्विमिंग और स्टिचिंग. दीज ऑल आर एक्शंस लाइक दैट, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, सो वॉट आर आवर हेल्पिंग वर्ब्स? इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मे, might, must, need. So these are our 21 auxiliaries or helping verbs. अब ये जो helping verbs है ये आपके positive sentences में useful होगी, और जब आपको sentence negative में convert करना है तब आप इन helping verbs और auxiliaries में not को add करोगे with one inverted comma. जैसे कि is plus not बन जाएगा isn't it, am plus not ain't it, are प्लस नॉट, एम प्लस नॉट aren't भी बनता है, आर प्लस नॉट aren't, वॉज प्लस नॉट wasn't, वेर प्लस नॉट वेर नॉट weren't, कैन प्लस नॉट can't, could प्लस नॉट couldn't, विल प्लस नॉट won't, would प्लस नॉट wouldn't, shall प्लस नॉट shall not. तो ऐसे आपको ये जो है auxiliaries लगानी है, वन इन्वर्टेड कॉमा और नॉट का आएगा सिर्फ एन और टी. ठीक है, ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा. तो आपको सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन टैग में क्या करना है कि आपको ये सारे ऑक्सिलरीज जो है अच्छे से याद करनी है, कि ये सारे ऑक्सिलरीज है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है जब भी हम क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को आंसर्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, देन इफ यू हैव पर्सनल प्रोनाउंस, इफ वी हैव आई, वी, यू, दे, तब हम यूज करेंगे डू, और ही, शी और इट हुआ तब हमें यूज करना है डस. आई ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, वी, जब बहुत सारे लोग होंगे, ही, यू, यू विल यूज फॉर सेकंड पर्सन, दे, यू विल यूज फॉर थर्ड पर्सन, ही, यू विल यूज फॉर अ बॉय, शी, आप यूज करोगे फॉर अ गर्ल, एंड इट आप यूज करते हो फॉर अ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, जैसे कि कबर्ड है, टीवी है, तो इनका कोई जेंडर नहीं होता कि आप ही और शी बताओगे, तो फॉर दैट पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग आप यूज करोगे इट एज अ प्रोनाउन. ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम जाएंगे रूल्स पे. यहाँ पे ऑक्सिलरीज और ये जो भी वर्ब्स है या क्वेश्चन टैग को सॉल्व करना, ये तीन जो है सिंपल से रूल्स है. पहला हमारा रूल है पिक आउट द ऑक्सिलरी फ्रॉम द सेंटेंस. ये जब भी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको चेक करना है कि इसमें कोई ऑक्सिलरी है या नहीं. अगर उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी है तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप आराम से जो है उस क्वेश्चन का आंसर जो है बता सकते हो. ठीक है, और सेकेंड चीज आप क्या करोगे, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है. अब आप कंफ्यूज मत होना कि नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा. सी, नेगेटिव कब होता है सेंटेंस, जब सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर आता है. शी इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई पार्टनर, लाइक दैट. ठीक है, तो नॉट आए तो मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव है, तो जब आप उसका आंसर लिखोगे तो वहां पर नॉट नहीं आना चाहिए. ये सब कुछ आपको पता चलेगा जब हम इनके आंसर्स जो है क्वेश्चंस के फाइंड आउट करेंगे. तो पहला हमारा रूल क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सिलरी, नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और पॉजिटिव को नेगेटिव में. ठीक है, ये सारे रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है. सेकेंड रूल है हमारा इफ द ऑक्सिलरी इज एबसेंट. सी, अगर ऑक्सिलरी हुई प्रेजेंट तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो सेंटेंस को, बट अगर ऑक्सिलरी एबसेंट है, यानी अगर आपका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है, जो कि बहुत सारे केसेस में होता है, तब आपका मेन फोकस जाएगा कि हमें यहाँ पे देखना है वर्ब कौन सा है, ये सेंटेंस का टेंस कौन सा है. अगर सेंटेंस हुआ पास्ट टेंस में तो आप यूज करोगे डिड, अगर आपका सेंटेंस हुआ प्रेजेंट टेंस में तो आप यूज करोगे डू और डस. ठीक है, तो ये आपको चीज है कि अगर ऑक्सिलरी हुई तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी को यूज करके आप अपना आंसर दे सकते हो, बट अगर ऑक्सिलरी नहीं हुई तब हमें
देखना है कि वहां पे वर्ब कौन सा है और उसका टेंस कौन सा है. पास्ट टेंस हुआ तो डिड, प्रेजेंट टेंस हुआ तो डू और डस. वेरी सिंपल थिंग. सिंपल से रूल्स जो है वो हमेशा याद रखो आप. थर्ड जो है हमारा, अब ये हैव हैज हैड जो है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो अगर हैव हैज हैड क्यों डेंजरस वर्ड्स है? इफ दे आर फॉलोड बाय वर्ब, यानी कि अगर हैव हैज हैड के साथ में वर्ब है, वर्ब क्या होता है? एक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्विमिंग, डांसिंग, स्टिचिंग, ये सब एक्शन होता है. तो अगर हैव हैज हैड वर्ब के साथ आता है तो उसे सॉल्व करना बहुत ईजी है. बट अगर हैव हैज हैड वर्ब के साथ नहीं है, देन यू फेस अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो अगर हैव हैज हैड वर्ब के साथ नहीं हुआ तो हैव के लिए हमें यूज करना है डू और डोंट. हैज के लिए यूज करना है डज, डजंट, एंड फॉर हैड वी हैव टू यूज डिड और डिडंट. ठीक है, देखा आपने, डू का हो गया डोंट, डज का हो गया डजंट, डिड का हो गया डिडंट. वैसे ही वॉज का वॉजंट, ठीक है, इज का इजंट, आर का आरंट, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, सिंपल सी चीज है. अगर हैव हैज हैड है और वहां पे वर्ब भी है तो बहुत इजी है सॉल्व करना, आराम से हो जाएगा. बट अगर हैव हैज हैड दिया हुआ है बट वहां पर वर्ब नहीं है तो हमें हैव के लिए यूज करना है डू डोंट, हैज के लिए डस डजंट, हैड के लिए डिड डिडंट. ये तीन बेसिक से रूल्स है जब हम क्वेश्चन टैग सॉल्व करते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लो. ठीक है, सारे ऑक्सिलरीज याद करने हैं, पॉजिटिव के भी, नेगेटिव के भी, इज, isn't, was, wasn't, could, couldn't, ऐसे. और ये तीन इसके बेसिक से रूल, बहुत सिंपल है क्वेश्चन टैग. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस है इट इज रेनिंग. सबसे पहला हमारा रूल क्या है? फाइंड आउट द ऑक्सिलरी. तो अब हमारा ऑक्सिलरी है यहाँ पर कौन सा है? इज. तो इज हमारा ऑक्सिलरी है. ठीक है, अब सेकेंड चीज आप क्या करोगे, देखो सेंटेंस नेगेटिव में है कि पॉजिटिव. तो सेंटेंस जो है हमारा इट इज रेनिंग, यानी सेंटेंस में नो नॉट नेवर है, नहीं है, तो मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है. तो हमें इसे क्या कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में. आप जब उसे नेगेटिव में डालोगे तो क्या आएगा वहां पे? नॉट. तो इट इज रेनिंग. ठीक है, आप उस जब भी आप क्वेश्चन टैग सॉल्व करते हो तब आपको उसका क्वेश्चन एज इट इज नीचे आंसर में लिखना है. इट इज रेनिंग एज इट इज नीचे आएगा. ठीक है, और उसके साथ में प्रोनाउन भी दिया हुआ है. प्रोनाउन क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इट. तो ये आपका फर्स्ट जो है बहुत सिंपल है सॉल्व करना, कि हमारा सेंटेंस पहले तो हमें ऑक्सिलरी मिल गया, सेकेंड चीज हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव में, थर्ड हमें यहाँ पे प्रोनाउन भी मिल गया. ठीक है, तो आप एज इट इज क्वेश्चन में कॉपी करोगे, इट इज रेनिंग का बन जाएगा इज इट इट. ठीक है, और एंड में जब आप खत्म करोगे आंसर लिखकर तो आपको एक क्वेश्चन मार्क डालना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो. सिंपल, समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. एंड प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो, एंड ऑफकोर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. देन सेकेंड हमारा क्वेश्चन है द स्काई वॉजंट क्लाउडी. नाउ दिस, नाउ द फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट ऑक्सिलरी है सेंटेंस में, ऑफकोर्स है. कौन सी ऑक्सिलरी? वॉजेंट. वॉजेंट इज द ऑक्सिलरी, राइट. सेकेंड चीज ये देखनी, सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव? सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, तो उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? पॉजिटिव में. ओके, तो द स्काई वॉजेंट क्लाउडी, ये जो है हम एज इट इज आंसर में कॉपी कर लेंगे, कॉमा आ जाएगा. अब वॉजेंट नॉट हट जाएगा, क्या बचेगा? वॉज. स्काई, स्काई का कोई जेंडर है? स्काई कोई लिविंग थिंग नहीं, तो स्काई के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट. तो वॉज इट. सिंपल, नेगेटिव को हमने कर दिया पॉजिटिव और हमारे पास ऑक्सिलरी भी था. अब यहाँ पे स्काई का कोई जेंडर नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम वहां पर यूज करेंगे प्रोनाउन में इट. समझा? ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क एंड आपका आंसर फिनिश. थर्ड हमारा क्वेश्चन है बर्ड्स वर डांसिंग. ठीक है, बर्ड्स वर डांसिंग. अब वापस वही रूल पहला वाला, सबसे पहले ढूंढो ढूंढो ऑक्सिलरी कहाँ है. ऑक्सिलरी मिल गई, वर इज द ऑक्सिलरी. ठीक है, अब हमें ढूंढना है भाई सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव. सेंटेंस तो है पॉजिटिव, उसे कन्वर्ट करना है हमें नेगेटिव में. तो बर्ड्स वर डांसिंग, बर्ड्स यानी कि बर्ड नहीं है, बर्ड्स है. ठीक है, यानी बर्ड्स जो है मतलब बहुत सारे हैं.
ठीक है, तो बर्ड्स का यहाँ पे कोई जेंडर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो भी चीजें बहुत सारी होती है हम उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, दे। ठीक है, तो सेंटेंस से हमारा वर क्या हो जाएगा नेगेटिव में, वरेंट। तो बर्ड्स वेर डांसिंग कॉमा वेरेंट दे, बर्ड नहीं है बर्ड्स है, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे दे। एंड वन क्वेश्चन मार्क, बहुत सिंपल है, बहुत इजी चीज है। वर का वरंट, वॉज का वॉजेंट, इस का इजेंट, आर का आरेंट, शुड का शुडेंट, कुड का कुडेंट, विल का वोंट। आपको यही सब करना है और एक आपको वहां पे जो प्रोनाउन है उसको बाजू में लगा देना है और एक क्वेश्चन मार्क। सबसे सिंपल टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग आपके ग्रामर के अंदर। फोर्थ हमारा है द फैन गिव्स ब्रीज। अब यहाँ पे ऑक्सिलरीज है, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, तो अब हम चेक करेंगे सेकेंड चीज, सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव। सेंटेंस तो है हमारा पॉजिटिव, तो आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में। ठीक है, थर्ड रूल, अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई ये सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है हमारा गिव्स, फैन गिव्स, तो गिव्स जो है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, तो अब ये वर्ब जो है उसका टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है? तो हमारा गिव्स, फैन गिव्स, गिव्स मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, गिव यानी दे रहा है ना, तो प्रेजेंट टेंस हुआ ये। तो अब प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, आपने देखा है यहाँ पे हमने रूल्स में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में आप क्या यूज करोगे, डू या डज। ठीक है, आपको यूज करना है डू और डज। तो अब यहाँ पे गिव्स यानी फैन गिव्स ब्रीज, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डज। ठीक है, क्योंकि इट्स अ प्लूरल, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डस। अब फैन का कोई जेंडर भी नहीं है, ठीक है, फैन नॉन लिविंग थिंग है, तो हम फैन के लिए यूज करेंगे प्रोनाउन इट। तो फैन गिव्स ब्रीज कॉमा, सेंटेंस के अंदर कोई भी ऑक्सिलरी नहीं है, सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डजंट इट, जो कि हमने रूल्स में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। आपको चाहिए तो आप ये सारी चीजें जो है बुक में नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ है हमारा माई फ्रेंड वेंट अवे। ओके, माई फ्रेंड वेंट अवे, अब यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी है सेंटेंस में चेक करो। कोई भी ऑक्सिलरी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब देखना है सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी नॉट, नो, नेवर, कोई भी वर्ड नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ पे वर्ब क्या है। वर्ब क्या है यहाँ पे, वेंट, वेंट, गो गोवा गॉन, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, गो गोइंग कम्स इन टू प्रेजेंट टेंस, ठीक है, लेकिन वेंट, वेंट जो है वो हमारा पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, माई फ्रेंड वेंट अवे, शी वेंट अवे, ही वेंट अवे, तो ये वेंट जो है वो हमारा पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में होता है तो हमें क्या यूज करना है, हमने रूल्स में देखा है ऊपर कि हमें पास्ट टेंस में हुआ तो हमें यूज करना है डिड। ठीक है, डिड यूज करना है आपको यहाँ पर, सेंटेंस है पॉजिटिव में तो आंसर आएगा नेगेटिव में, तो डिड का हो जाएगा डिडेंट। अब माय फ्रेंड, अभी आपकी जो ये फ्रेंड है ये ही भी हो सकती, शी भी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड का जेंडर तो होगा ही होगा या फिर शी होगा, तो अब यहाँ पे आप डिडेंट ही भी लिख सकते हो, डिडेंट शी भी लिख सकते हो, यहाँ पर इट नहीं आएगा बिकॉज हमारा फ्रेंड नॉन लिविंग थिंग नहीं है, राइट, हमारा फ्रेंड लिविंग थिंग है, बट हमारे फ्रेंड का जेंडर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आइदर यू कैन राइट ही और यू कैन राइट शी। तो माय फ्रेंड वेंट अवे, इट इज इन द पास्ट टेंस, तो यहाँ पर आएगा डिडंट ही एंड वन क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, अगर आपने कॉमा नहीं डाला आंसर लिखते हुए, तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। सिंपल सी चीज है, आपको ऑक्सिलरीज को फाइंड आउट करना है, अगर आपको ऑक्सिलरीज मिल गई तो आपको उसे नेगेटिव का पॉजिटिव में, पॉजिटिव का नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। आपके पास प्रोनाउंस भी दिए रहेंगे, अगर कोई लड़की या लड़के का नाम है, लड़की का नाम है तो शी यूज करोगे, बॉय का नाम है तो आप ही यूज करोगे, नॉन लिविंग थिंग है तो आप इट यूज करोगे, बर्ड्स जैसे कि बहुत सारी चीजें है, वी है, बर्ड्स है, तो आप वेरेंट वी, वेरेंट दे, ये यूज करोगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क का कॉमा का ध्यान रखना है, तो ये एक सिंपल सी चीज है, अगर आप दो तीन बार सिर्फ रीड आउट करो कि यहाँ पे जो भी मैंने स्लाइड्स में दी अच्छे से आप इनको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन टैग आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आई एम देयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज।
ठीक है, अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रख के सॉल्व करने हैं, आप कमेंट्स में इनका आंसर दोगे, एटलीस्ट 5 है 2 या 3 या फिर 1 का भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई एम वेरी हंग्री, वेरी सिंपल, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी है। ठीक है, वी प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी नहीं है बट यहाँ पर हमारे पास वर्ब है, तो आपको वर्ब का टेंस देखना है। दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी है। श्रुति हैज नॉट कम लेट टूडे, देर ऑल्सो वी हैव ऑक्सिलरी, नाम भी दिया हुआ है तो हमें पता है लड़की का नाम है, तो क्या प्रोनाउन यूज करेंगे हम? शी, ही हैड सबमिटेड हिज असाइनमेंट, देर ऑल्सो वी हैव ऑक्सिलरीज। आपको ऑक्सिलरी देखना है, सबसे पहले आपको देखना है ऑक्सिलरी, सेकेंड आपको देखना है कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो नेगेटिव में कन्वर्ट करा, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सिंपल रूल। थर्ड चीज है, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम चेक करेंगे उसमें वर्ब कौन सा है और वर्ब कौन से फॉर्म में है, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, और उसके हिसाब से हमें उसमें डालना है। पास्ट टेंस हुआ तो आपको बताया डिड डिडंट, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस डू डोंट डस डजंट। ठीक है, तो आपको उसका नॉट फॉर्म भी याद होना चाहिए और पॉजिटिव फॉर्म भी आपको सेंटेंस के आने चाहिए, बिकॉज वो बहुत सिंपल है। आपको जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब है प्लस NOT यानी कि N O जो है वो गायब हो जाएगा, उसके आगे आ जाएगा ऊपर इन्वर्टेड कॉमा और T, बस ये लगाना है। तो फिर भी अगर आपको डाउट हो लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका सॉल्व करेंगे। तो आज से आपकी ग्रामर सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है। होप यू लाइक द लेक्चर एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक कर दीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।